राज्यों के चुनाव में क्या रंग दिखाएगी, राहुल गांधी के सितारे क्या कहते हैं, कैसा होगा मौसम का हाल और किस करवट बैठेगी देश की अर्थव्यवस्था, ये सब जानने के लिए महाज्योतिषी पंडित आर के शर्मा से बात की हमारे संवाददाता वसीम हैदर ने। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, 2017 भी गुजर गया लेकिन 2018 कैसा होगा ये जानने के लिए हम आए हुए हैं पंडित आर के शर्मा के पास। जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से 2018 होगा। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमारे देश को प्रभावित करती है राजनीति जी, 2018 में देश की राजनीति किस तरह से रहेगी, आपको क्या लगता है किस तरह से रहेगी? देखिए ऐसा है कि सबसे पहले तो समय के दर्शकों को 2018 का अभिनंदन करता हूं मैं। दूसरी बात ये आपका सवाल कि राजनीति किस करवट बैठेगी, डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी प्रबल होती जा रही है। हिमाचल का इलेक्शन ले लीजिए, गुजरात का इलेक्शन ले लीजिए, गोवा का इलेक्शन ले लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी सफलता जो है वो 80% राजनीति में अपना झंडा गाड़ रही है। मगर 2018 में माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं और अमित शाह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान झेलने पड़ेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कुंडली जो है 17-7-2017 के बाद प्रबल होते जा रही है और राजनीति में एक नया सितारा, एक ऐसा समझ लीजिए उगता हुआ सूर्य की तरह से राहुल गांधी जो है आएंगे। आपने देखा कि गुजरात में किस तरह एकदम नेक टू नेक फाइट में कांग्रेस ने 79 सीट्स ली और भारतीय जनता पार्टी डेफिनेटली वहां पे विजयी हुई है। मगर एक समय तो ऐसा भी उस दिन आया था जब सांस अटक गई थी कि कांग्रेस नहीं जीतना चाहे, इसलिए 2018 कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में राजनीति और ज्योतिषीय राजनीति ये कहती है कि कम से कम 4 राज्यों में 2 राज्यों में कांग्रेस जो है अपना तिरंगा फहराने में कामयाब हो सकती है। एक स्थानीय राजनीति होती है हमारे देश में, लोकल पार्टियां होती है, रजनीकांत भी आज पार्टी के अपनी ऐलान कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी और जो स्थानीय राजनीति किस तरह से रहेगी? देखिए राजनीति जब स्थानीय होती है तो डेफिनेटली वो राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करती है। आपने रजनीकांत की बात की तो आई वुड लाइक टू प्रेडिक्ट हियर, हमारा सहारा में जो महाज्योतिष कार्यक्रम होता था एक, उसमें हमने रजनीकांत जी के बारे में एक समय पर बोला था और आज फिर मैं यहां प्रेडिक्ट करता हूं क्योंकि रजनीकांत की कुंडली मेरे पास है। रजनीकांत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं वो एक अपना खुद की पार्टी जो है वो लॉन्च करेंगे, ये भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। और जयललिता और करुणानिधि MGM की तरह आप ये देखेंगे कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर रजनीकांत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। डेफिनेटली स्थानीय राजनीति जो है उसका प्रभाव जो है हर प्रांत के ऊपर पड़ता है। यहां पर देवेंद्र फडणवीस जो है उनके लिए भी कई चुनौतियां हैं राजनीति में। हर चौथे दिन ये बात समझने को मिलती है कि शिवसेना राजनीति बीजेपी से टूट जाएगी। और स्थानीय राजनीति अगर हम महाराष्ट्र में की बात करते हैं, क्योंकि हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, तो डेफिनेटली यहां पर भी अगस्त और सितंबर से पहले पहले भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग थलग हो सकते हैं। बीजेपी माइनॉरिटी सरकार थोड़े दिन चला सकती है, जो प्रावधान भी है संविधान में, और उसके बाद कांग्रेस जो है डेफिनेटली वापिस राइज करती हुई दिखाई देती है। अशोक चव्हाण की कुंडली ले लें, उसके बाद राधा कृष्ण विखे पाटिल की कुंडली ले लें, डेफिनेटली कांग्रेस जो है अपने पर आगे आप देखेंगे कि फड़फड़ाएगी। और 2019 की अगर हम बात करें तो एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से कड़ा मुकाबला देगी और अन्य पार्टियां मिलकर यूपीए का एक ऐसा घटक भी बन सकता है जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह या राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर के दावेदार हो सकते हैं। एक सवाल यह है कि अपने देश में जो है मौसम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मौसम किस तरह से रहेगा 2018 का, क्योंकि किसान जुड़े हुए रहते हैं और मौसम में अर्थव्यवस्था तय करता है। आपने बहुत ही सटीक सवाल पूछा और ऐसे सवाल डेफिनेटली सहारा के माध्यम से ही पूछे गए मुझे पहले भी। अगले साल का जो राजा है, अगले साल का राजा जो है वो शनि है और सूर्य है, और वजीर जो है वो मंत्री जिसको कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष में भी राजा और वजीर होते हैं। नौ ग्रहों का राजा जो है वो सूर्य है अगले साल का,
क्योंकि ये हिंदू नववर्ष नहीं है। हिंदू नववर्ष पहले चैत्र नवरात्रों के पहले दिन से शुरू होता है, मगर हम पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली ये सन 2018 भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। अगले साल का राजा सूर्य है और मंत्री जो है वो शनि है। विरोध संवत कहते हैं इसको। विरोध संवत में एक बात पक्की है कि पूरे विश्व को हिला के रख देगा। आपने मौसम की बात करी, उससे पहले मैं ये घोषणा करता हूँ, ये भविष्यवाणी करता हूँ कि कहीं ना कहीं अगले साल की जो ग्रह दशा की जो प्रणाली है उसमें विश्व युद्ध के संकेत आते हैं। अगर विश्व युद्ध नहीं भी होता है तो लघु विश्व युद्ध के संकेत आते हैं। मौसम की बात करें तो डेफिनेटली इस साल जो है मौसम बहुत सी जगहों के ऊपर तबाही मचाएगा, मगर हमारा देश पर्टिकुलरली काल सर्प दोष से बाहर आ चुका है। अन्य देशों में जैसे फार ईस्ट की बात करें, सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ऐसे इन देशों की बात करें तो डेफिनेटली सुनामी या किसी ना किसी तरह समुद्र में एक बड़ा तूफान आते हुए दिखाई देता है। एक हमारे देश में भी मौसम की मार पड़ेगी। पिछली बार तो हमारे देश में भगवान की कृपा रही और माननीय नरेंद्र मोदी जैसे ही आए डेफिनेटली अर्थव्यवस्था बढ़ी, मौसम भी अच्छा गया, किसान भी सुखी हुए, मगर पूरी तरह से सुखी नहीं हुए। आप भी जानते हैं आत्महत्याएं आज भी किसान करता है, मगर अगला साल मौसम के हिसाब से अकाल की नहीं, कहीं ना कहीं ओले और कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश से लोग जो है किसान जो है वो दुखी होगा, क्योंकि विरोध संबत है। सूर्य और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं, नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम, तो विरोध में डेफिनेटली सकारात्मक नहीं नकारात्मक रिजल्ट आते हैं। इसलिए मैं मौसम के हिसाब से भी और विश्व युद्ध के हिसाब से भी कहीं ना कहीं 80% नकारात्मकता देख रहा हूं और 20% सकारात्मकता देख रहा हूं। पंडित जी, जीडीपी लगातार गिर रहा है भारत का, जीडीपी को देखते हुए अर्थव्यवस्था 2018 कैसे रहेगी? अर्थव्यवस्था 2018 अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, क्योंकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी की बात करें तो 33,934 के ऊपर आज के दिन चल रही है। एक बात पक्की है, जीडीपी का असर थोड़ा बहुत भारतीय अर्थशास्त्र पर जरूर होगा। जीडीपी तो और गिरेगी, मैं तो जीडीपी को 4 आते हुए देख रहा हूं, मगर यहां तक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात करें, डेफिनेटली भारत जो है 2040 तक नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है पॉसिबल है 2018 दिसंबर को यहां बैठकर आप ये मेरी भविष्यवाणी को शाबाशी दें कि 40,000 का आंकड़ा छू सकती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जो है वो 11,500 का आंकड़ा छू सकती है, इस वक्त 10,500 है, मगर कहीं ना कहीं जब कुछ ग्रहों की युति ऐसी आएगी कि कभी हमको ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक मंडे, ब्लैक ट्यूजडे भी देखना पड़ सकता है। ऑन द होल हमारा बाजार और अर्थशास्त्र डेफिनेटली बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि हम मुंबई में बैठे हुए हैं, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री मानी जाती है, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2018 किस तरह से रहेगा? शुक्र जो है वो आगे आने वाले दिनों में बहुत ही उत्तम आएगा। शुक्र ग्रह जो है नौ ग्रहों में ऐश्वर्य के साथ में जोड़ा जाता है। ऐश्वर्य फिल्म्स, डायमंड्स, ग्लिटरिंग, फैशन के साथ जोड़ा जाता है। 2018 में डेफिनेटली कुछ चंद 10 से 15 ऐसी फिल्में आएंगी जो एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेंगी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। ग्रोथ आप देखेंगे कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम कंपनियां हैं जिन्होंने आईपीओ लॉन्च की है। फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 3 से 4 फिल्म रिलेटेड, मीडिया रिलेटेड लोग जो है अपना आईपीओ घोषित करेंगे और फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी एक नई ग्रोथ, एक नए उदय काल की का 2018 होगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है पंडित आर के शर्मा जो बता रहे थे 2018 हिंदुस्तान के लिए किस तरह से रहेगा। इस समय मुंबई से वसीम हैदर।
तो कैसा रहेगा 2018। तमाम नेताओं के लिए आपने सुना। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए समय के साथ।